तो दोस्तों ममता बनर्जी को चोट लगी, उनके ऊपर अटैक हुआ और ऐसा हुआ नंदीग्राम के अंदर। अब इसके बाद इस चीज के कई वर्जन सामने आए, बीजेपी का वर्जन, टीएमसी का वर्जन, दीदी का वर्जन, पब्लिक का वर्जन, और इन्हीं वर्जन्स के बीच में था कहीं सच, और इन्हीं के बीच में थे बहुत सारे सवाल। सवाल ऐसे कि अगर ये मुद्दा इतना बड़ा बना तो ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों नहीं बना। तो आइए जानते हैं इस पूरे इशू को, तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो जी, ममता बनर्जी ने पहली बार नंदीग्राम से अपना नामांकन भरा, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि अब बंगाल का चुनाव बंगाल का ना रहकर नंदीग्राम का चुनाव ज्यादा हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी, जो कि अभी तक टीएमसी में ही थे और उनके हैवीवेट थे, जिनका वर्चस्व है नंदीग्राम के अंदर, उनके अगेंस्ट लड़ रही हैं ममता बनर्जी। सभी पॉलिटिकल पंडितों का रुझान और इंटरेस्ट केवल और केवल नंदीग्राम में है, बाकी का बंगाल छूटा हुआ है। अब भाई, ऐसे में नंदीग्राम के अंदर पॉलिटिकल ड्रामा होना तो जरूरी है, और इतने में ही खबर आती है कि भाई ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हो गया। एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें ममता बनर्जी करहाती हुई दिखाई देती हैं, और उसके बाद ममता बनर्जी बयान देती हैं और कहती हैं कि भाई पुलिस की गैर मौजूदगी में मेरे ऊपर अटैक हुआ, और अटैक के अंदर मेरे पैर में, छाती में और शोल्डर में चोट लगी। साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि ये जो अटैक है ये भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है। भाजपा की कॉन्स्पिरेसी बताने के लिए डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की कुछ चीज की, और उसमें एक बड़ी वाहियात सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई। तो जी, सबसे पहले जो वीडियो सामने आती है और न्यूज चैनल्स पर दिखाई जाती है, उसमें ममता बनर्जी सर पकड़े तौलिए से दिखाई जा रही थी और करहा रही थी, मगर चोट लगी थी पैर में। तो पैर में चोट लगने के बाद सर क्यों पकड़ा गया? हो सकता है ब्रेन का कनेक्शन पैर से होता है और दर्द पैर का कम हो जाए इसलिए ब्रेन दबा रही हूं। उसके बाद उन्होंने मीडिया चैनल से बात की और उन्होंने बताया कि मैं ब्रेथलेस हो गई, मुझे फीवर भी हो गया और मेरे पैर में, चेस्ट में और शोल्डर में चोट लगी है, और ये सब बातें उन्होंने वहां पर बताई और अटैक के बारे में उन्होंने बोला। जब वो हॉस्पिटल गई तो पता चला कि भाई केवल पैर में चोट लगी है, शोल्डर और चेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो अपना नाम बताने से मना कर रहे हैं, उन्होंने उनके हाव भाव देखे टीवी के ऊपर, और उसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि भाई मैंने हजारों ऐसी कैजुअलिटीज देखी हैं, हजारों ऐसे लोगों को ट्रीट किया है जो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, उनको देखा है, मगर ममता बनर्जी ना तो मुझे ट्रॉमेटाइज लग रही थी और ना ही उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उनको कुछ बहुत ज्यादा दर्द है। वहीं दूसरी ओर एक रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट, जो कि अपना नाम बताने से इनकार कर रही हैं, वो भी यही कह रही हैं कि भाई बहन डर गई, टीएमसी वाले चिल्ला तो रहे हैं मगर बहन एक्चुअली डरी नहीं है। ममता बनर्जी ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि कोई पुलिस वाला वहां पर आसपास नहीं था, और इस बात के ऊपर आईजी लेवल के एक अधिकारी, जो कि अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, जेड प्लस सिक्योरिटी मैडम को मिली हुई है और पुलिस वाला कोई ना हो वहां पर, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी तब जब मैडम एक कैंपेन करने निकली हुई है चुनावी। फिर यही आईजी लेवल का पुलिस अधिकारी बताता है कि हमने थोड़ी बहुत जांच की और खोजबीन में हमें यह पता चला कि ममता बनर्जी आकर अपनी गाड़ी में बैठी और उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि स्लोली आप गाड़ी को आगे लेकर जाइए, यहां पर बहुत लोग जमा हैं, उन लोगों के थोड़ा करीब मुझे लेकर जाइए। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, ममता बनर्जी का जो गेट था वो खुला हुआ था और उनका जो पैर था वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। इतने में ही जब वो भीड़ के पास पहुंचती हैं तो उन्हीं की सिक्योरिटी में से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें ये रियलाइज नहीं था कि भाई उनका पैर बाहर निकला हुआ है, जिसकी वजह से उनके पैर में थोड़ी चोट लग गई। अब ममता बनर्जी की स्टेटमेंट के आधार पर एक सवाल यह भी उठता है कि जब उन्हें इतना अनबियरेबल पेन हुआ, जब उन्हें इतनी सारी चोट लगी पैर में, कंधे में और छाती में, तो उसके बाद भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया, जो कि उस जगह से केवल 10 किलोमीटर दूर था, बल्कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया कहां? 150 किलोमीटर दूर कलकत्ता में। 3.5 घंटे हमारी दीदी करहा रही थी
और ये लोग क्रूर सिंह बने हुए देख रहे थे और यक्कू भी बोल रहे होंगे। और वहीं अगला सवाल ये भी उठता है कि किसी भी सीएम के कॉन्वॉय में एक एम्बुलेंस होती है। ममता बनर्जी के कॉन्वॉय में भी एक एम्बुलेंस थी, मगर एम्बुलेंस में ना ले जाकर, उनको फर्स्ट एड ना देकर 150 किलोमीटर दूर लेकर जाया गया करहाते हुई ममता बनर्जी को। और भाई साहब बात ऐसी थी कि सिक्योरिटी वाले जो थे ना, वो पास की दुकान से बर्फ खरीद कर लेकर आ रहे थे, ना कि एम्बुलेंस में फर्स्ट एड दिलवा रहे थे। पर हो सकता है कि एम्बुलेंस से ज्यादा पास कलकत्ता हो, इसलिए ले गए। अब भाई प्रत्यक्ष दर्शियों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, जो पब्लिक थी उनका क्या कहना है? तो भाई पब्लिक का कहना ये है कि मैडम का दरवाजा खुला हुआ था, पैर बाहर था, मैडम की गाड़ी धीरे धीरे आगे आ रही थी और रास्ते में एक पोल था, उस पोल में उनका पैर टकरा गया जिससे चोट लग गई। पर चलिए अब दूसरे एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का इस बार प्रचार प्रसार का जो जिम्मेदारी है वो प्रशांत किशोर संभाल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर भैया का ऐसे अटैक्स के मामले पर क्या कहना है वो सुनिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन चेंज बिटवीन नाउ एंड द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग एंड द सबसिक्वेंट 7 राउंड्स व्हिच अपसेट्स योर 100 सीट मार्क? आई टेल यू ओनली वन थिंग, इफ देयर इज अ काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ अटैक ऑन पैरामिलिट्री फोर्सेज हियर, that's the only thing that could change thing. I'm being absolutely honest and blunt. Who could attack the palace? I don't know. I'm saying if there is probability of 1%, if some paramilitary forces get attacked, something happens, that I can't foresee. But otherwise, in a normal circumstances, no matter what BJP does, no matter how good a player they are in slogovers, they were as good a player in slogovers in Delhi as well, I think the gap is too big for BJP now to... और जहां कहीं भी प्रशांत किशोर को देखा गया है कैंपेन करते हुए किसी पार्टी के लिए, वहां पर अक्सर ये भी देखा गया है कि नेता को थप्पड़ पड़ गया, नेता के ऊपर इंक फेंक दी गई, नेता टूट गया, फूट गया, और इस तरीके की सिंपथी वेव लाने की कोशिश की जाती है। और ऐसा होता हमने केजरीवाल साहब के साथ भी काफी बार देखा है, कभी उनके ऊपर थप्पड़ लग रहे हैं, कभी उनको इंक फेंकी जा रही है, कभी मिर्ची फेंकी जा रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं चुनावों के आसपास। लेकिन इस पूरे मुद्दे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि शायद दीदी के पैर में लगी ये चोट देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, मगर इस बूढ़ी औरत, इस दादी के मुंह पर दिखी लगी हुई ये चोट किसी को नहीं दिखाई देती है और ये देश में एक बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता है। जब बंगाल में पंचायती चुनाव थे तो केवल और केवल पॉलिटिकल रीजंस के लिए सैकड़ों लोगों को मार दिया गया और उसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रेन का कहना यह था कि बंगाल में तो यह सब कुछ होता ही रहता है, जब भी चुनाव होते हैं ऐसे लोग मरते हैं, इसमें कौन सी नई बात होगी, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन वो भी एक बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, मुद्दा बनता है दीदी का पैर। पिछले वर्षों में कितनी ही पॉलिटिकल किलिंग्स बंगाल में हुई है, हमने उसके ऊपर एक वीडियो की है, मगर वो भी कभी मुद्दा नहीं बनता है, मुद्दा बनता है दीदी का पैर। काफी कूल है ब्रो। तो जी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में दिया गया है। उसके अलावा patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू पर ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।